कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे और आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाए और वो जो भी चीज़ करना चाहता है वो ईजिली कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, और उससे सभी लोग आकर्षित हों, सभी लोग उससे अट्रैक्ट हों। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, पर्सनैलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना, तभी आपको ये टिप्स पता लग पाएंगी। दोस्तों चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो कि आपने देखा होगा, लोग अक्सर ये चीज करते हैं और वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत खराब कर देती है। वो ये है कि लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जो है करोड़पति बनूंगा, मैं जो है ऑडी लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें लोग आपको बोलते होंगे। दोस्तों ऐसे लोग कभी जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं ना वो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं करते हैं, और जो इंसान कभी कुछ भी नहीं कहता है वो सिर्फ अपनी मेहनत करता है, अपना काम करता है। दोस्तों आपको एक ही चीज हमेशा याद रखनी है अपनी लाइफ के अंदर, आपको बोलना कम है, काम ज्यादा करना है। कहना नहीं है, आपको काम ज्यादा करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सक्सेसफुल लोग जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान या फिर संदीप महेश्वरी, दोस्तों ये लोगों ने कभी जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, लोगों के सामने ये नहीं कहा कि यार मैं जो है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में काम ही किया है, फिर वो लोग सक्सेसफुल हो गए, उनके बारे में सभी लोग बातें किया करते हैं। तो जो है बड़ी बड़ी फेंकना नहीं है, अगर आप फेंकोगे तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे एंड आपके पीछे मजाक बनाएंगे, कहेंगे वो देखो सिर्फ फेंकता ही रहता है, काम कुछ नहीं करता है। तो पहली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब कर देती है। बात करते हैं दूसरी पॉइंट के बारे में, वो है आपका बॉडी पोस्चर। दोस्तों अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करना है, इंप्रूव करना है, तो आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप अपना बॉडी पोस्चर अच्छा करना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर वर्कआउट करिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तो उससे आपका बॉडी का पोस्चर अच्छा हो जाता है। जहां पर भी आप जाते हो एंड आप अच्छे से खड़े होते हो, अच्छे से स्ट्रेट खड़े होते हो, टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए तो आपका बॉडी पोस्चर एकदम बेकार हो जाएगा एंड आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको कोशिश करना है कि अपना बॉडी पोस्चर अच्छा रखना है, स्ट्रेट रखना है, जिससे आप लोगों को आकर्षित कर पाओ, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ अपनी तरफ, एंड आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगने वाली है और आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है या आपको कोई अदर लैंग्वेज आना ज़रूरी है। जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल, जैसे आप अगर आप हिंदी बोल रहे हो या कोई अदर लैंग्वेज बोल रहे हो, वो आप क्लियरली बोल पाओ एंड जो सामने वाला इंसान है वो आपकी बात अच्छे से समझ पाए, यही होती है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की पहचान। अगर आप जो है इंग्लिश बोल रहे हो या फिर हिंदी बोल रहे हो, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है एंड आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तब मानी जाएगी लोगों को आप जो है ईजिली कन्विंस कर लेते हैं, ईजिली मना लेते हैं और उनको ईजिली समझ में आ जाती है आपकी बात। तो आपको इस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी है जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है ड्रेसिंग सेंस को लेकर। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। दोस्तों अगर आपकी जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है एंड जो भी चीज़ आप पहनते हो वो आपकी बॉडी पर सूट करता है एंड आप जो भी पहनते हो वो फिटिंग में पहनते हो, ऐसे लूज कपड़े नहीं पहनते हो, बेकार वाले कपड़े नहीं पहनते हो, जहाँ पर भी जाते हो जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो, या फिर ऑफिस में जा रहे हो, किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो, या किसी वेडिंग में जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो, उसके हिसाब से ड्रेसअप करते हो, तो ये होता है अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान। तो आपको कोशिश करना है कि उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने और बेकार वाले कपड़े नहीं पहनने। मान लीजिए कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बहुत ही फंकी सा लुक बना रखा है, जो है जीन्स जो है डैमेज वाली पहन रखी है, कपड़े थोड़े फटे हुए होते हैं, जैसे कि जो फंकी टाइप के स्टाइल्स होते हैं ऐसे कपड़े आपने जो है ऑफिस में पहन रखे हैं, तो ये एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान नहीं है। अगर आप ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनेंगे तो आप बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, बहुत ही हैंडसम माने जाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव माने जाएंगे। तो दोस्तों आपको ड्रेसिंग अच्छी से अच्छी करना है एंड आपकी बॉडी पर सूट करे ऐसे कपड़े आपको हमेशा पहनने चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, वो ये है कि किसी भी इंसान को आपको नीचा नहीं दिखाना है। कुछ लोग होते हैं कि वो सामने वाले इंसान को नीचा दिखाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं, तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है, वो हमेशा दूसरों को मोटिवेट करता है, वो कहता है कि हाँ तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम ये चीज़ बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों किसी को गलत नहीं कहना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपको पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में
पर्सनैलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, दोस्तों ये छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने फॉलो कर ली तो पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट यार, दो टेक केयर।